हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं आईटीआई जा रहा हूँ और आईटीआई का कुछ ज़्यादा शूट नहीं करूँगा क्योंकि मैं एक ही एक चीज़ दिखा के आपको बोर नहीं करना चाहता। तो अभी तो आईटीआई जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे व्लॉग आईटीआई के भी हो गए, इसीलिए एक ही एक चीज़ नहीं दिखाना चाहता मैं आपको। तो कुछ अलग होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा आप लोगों को, लेकिन अभी तो पहले मैं आईटीआई जाता हूँ। तो गाइस, अभी मैं आईटीआई से घर गया था, फिर घर से वापस से दुकान पर आ चुका हूँ और अभी भैया वगैरह भी बाहर बैठे हुए और अभी हम नमकीन खा रहे हैं। बैठे सूरज भैया, ये मेरी वीडियो देख रहे हैं होली वाली, और भैया भी मेरी वीडियो देख रहे थे। अभी चल रहा है यूट्यूब भाई, तो वीडियो एक नंबर बना था, इसलिए तेरी वीडियो देखते हैं सब लोग। दिपेश भी है, ये नमकीन वमकीन खा रहे सब, अभी चाय वाय पी। तो अभी अभी मैं घर आ चुका हूँ दुकान से, और वो कुछ मैटर वेटर हो गया था, पता नहीं क्या भैया का ही था कुछ सीन, तो इसलिए मैं आईटीआई से भी जल्दी आ गया था। और बच्चे भी कब आए थे इसलिए मैं जल्दी आ गया था आईटीआई से, और अभी फिर खाना वाना खाऊंगा मैं। अभी सब आ जाए बस, अभी मम्मी भी अस्पताल गई है किट्टू की दवाई ववाई लेने, और उसके पापा भी गए हैं, तो और किट्टू भी अभी सो रही है, वो तो गई नहीं क्योंकि उसके पैर में कुछ दिक्कत होगी, पता नहीं क्या फोड़े फुंसी से हो गए उसके पैर में, तो अभी उठ जाए वो फिर दिखाता हूँ मैं। तो अभी मम्मी भी आ गई और किट्टू भी सो के उठ गई है, और ये यहाँ पे अभी पता नहीं क्या देख रही है मोबाइल में, और अभी सब खाना खा रहे तो मैं भी खाना खाता हूँ। ये देखो पता नहीं क्या क्या देख रही, पोयम देख रही है, स्टोरी देख रही है। इससे कुछ मछली पकड़ूंगा तब जाके एक जाल खरीदूंगा। तो तुमने तो आज बहुत अच्छी मछली पकड़ी है। आज बहुत बिक्री करूंगा। बीबी यही वे बैंगन का भरता और थोड़ी सी सलाद वलाद काटी है वो है, और रोटी है, मम्मी अभी डाल रही खाना और खाते हैं। फाइनली अभी खाना वाना खा के मैं अभी बाहर आ चुका हूँ किट्टू के पास, देखते क्या कर रही है वो। ये यहाँ पर आ गई थी खुद के घर में वापिस, ये देखो टीवी चला रही रिमोट से। किट्टू दवाई ले ली क्या तूने? हैं? नहीं ली? पैर दिखाइयो कैसा आप तेरा। मैं इसका पैर दिखाता हूँ आपको कैसा हो रहा है, खतरनाक, मतलब फफूले हो रहे हैं और उसके बाद फूट रहा है वो, और घाव हो रहे हैं इसके पैर में। ये देखो कितना खतरनाक हो रहा है इसका पैर, यहाँ से उंगली पे ये हो रहा है, फिर उसके बाद फपूले हो रहे हैं, घाव के फूट रहे हैं वो, पता नहीं ऐसा ऐसा खतरनाक हो रहा है, दुख रहा है इसका पैर। देखो नीचे से, ये नीचे भी हो रहा है और यहाँ पे भी हो गया था नीचे, और भी हो रहे हैं इसके, ये दिखा रही देखो कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, और ये आज वापस से हो गया एक सुबह सुबह, ये रहा छोटा सा, ये तो लगा दिया मेरा बेटा राजा। तो अभी मैं खाना वाना खा के थोड़ा लेट गया था, और अब मैं नहा लेता हूँ, नहाने के लिए उठाऊँ एंड, और उसके बाद कपड़े वपड़े भी धो लेता हूँ आईटीआई के। तो भाई मैं नहा के एकदम मस्त तैयार हूँ, और बाल पता नहीं ऐसे ऐसे खड़े खड़े हो गए पता नहीं क्यों, अभी इनको ठीक कर रहा हूँ तो ठीक भी नहीं हो रहे। अभी किट्टू भी उठ चुकी है, वो भी नहाएगी अब। ये रही किट्टो और पापा के पास बैठी हुई है, पापा यहाँ पर घाट पे सो रहे, तो ये रही किट्टो, ये नहाएगी अब, नहाएगी ना गर्म पानी से नहाएगी। सुन अभी अभी सो के उठी है इसलिए चिड़चिड़ी हो रही है, नहीं तो मारता मैं इसको भी पकड़ के यहीं। किट्टो तो अभी अभी नाएगी, इसको खोलेगी नहीं क्या? मैं इसको छेड़ रहा हूँ तो ये चिल्ला रही है, ले खोल खोल इसको खोल, ले मैं खोलूँ अभी नाएगी, उसको देख रही है, ले किट्टू खोल इसको। अभी यहाँ पे बंदर आए थे, ये किट्टू वगैरह और ये सब इनको देख रहे हैं, वो बेटा बंदर कैसे बेटा है, क्या पत्ते तोड़ रहा है, पत्ते तोड़ के खा रहा है, और एक और वो रहा छोटा सा, ये रहा इसका बच्चा है छोटा सा। एक और ये नीचे आ गया, दो ऊपर है, वो एक ऊपर चढ़ गया पेड़ पे, और एक वहां पे गया, और एक और वो रहा नीचे, ये डाली भी पता नहीं कैसे लटक गया, वो कूद गया। अभी किट्टू भी नहा लिया है
और अब हम बनाएंगे मोमोज। किट्टू मोमोज खाएगी, ये भी खाएगी मोमोज। तो अभी बनाते हैं, तो अभी शुरू करते हैं मोमोज बनाना। मैंने दो पत्ता गोभी ले लिया है और अभी इनको घिस लेते हैं फटाफट। अभी मैंने पत्ता गोभी घिस लिया और इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और काली मिर्ची। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और उसके बाद इसमें जितना भी पानी निकलेगा उसको निचोड़ लेंगे। तो भाई मोमोज के अंदर की फिलिंग मैंने बना दी है और अब मैं लाल मिर्ची से जो चटनी बनती है मोमोज की वो बनाऊंगा। तो मैं मिक्सी विक्सी में नहीं पीसूंगा उसको, सिलौटा होता है जो मतलब पत्थर पे पीसूंगा। तो अभी पीसते पहले उसको। अभी पिस रही है चटनी, मैं ही पीस रहा हूँ। अभी चटनी भी बन के रेडी है, देखने में बढ़िया सी लग रही है ना। तो भाई चटनी बन के रेडी है और चटनी में बना रहा था क्या खुशबू आ रही थी उसकी। और अभी मोमोज बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाय पीऊंगा, फिर बनेंगे मोमोज। तो भाई अभी मोमोज में बना रहा हूँ, दो शेप के मोमोज बनाए, एक तो गोल वाले और एक वैसे लंबे लंबे। तो भी बन रहे हैं, देखते कितने बनते हैं। अभी सारे मोमोज बन के रेडी है और मैंने इनको इधर उधर कर दिए। मैं ले जा रहा था इनको उठा के, अभी स्टीम करने की बारी है तो अभी स्टीम करेंगे इनको। इतनी सी मैदा बचा ली है, इसका ये एग ओनियन रोल बनाएंगे और दिखाऊंगा आपको कैसा बनता है। तो अभी मैंने सारे मोमोज जमा दिए, मेरे पास स्टीमर नहीं है इसलिए मैंने ये भगोने के अंदर पानी डाल के उसके ऊपर छलनी रख के और उसके ऊपर रख दिए सारे मोमोज। अभी पकने का पकाते हैं बस इनको। अभी मम्मी खा रही है मोमोज, मम्मी से पूछते कैसे है मम्मी। बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट। अभी मोमोज मोमोज खा लिए मैंने, मम्मी ने भी खा लिए और अभी भैया के घर पे भी देने गया था मैं, तो उनने भी खा लिया, अमन भैया ने और भाभी जी ने। तो अब मैं खाना खाऊंगा, अभी खाने में पराठे गोभी के और एक रोल था वो भी उनने खा लिया, मैंने नहीं खाया। पहले मैं खाना खाता हूँ और फिर उसके बाद बाहर जाऊँगा घूमने के लिए वापस। तो भाई मैं खाना वाना खा के अभी बाहर आ चुका हूँ और अभी बज रहे हैं 11:45। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज के वीडियो में भी काफ़ी मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।